मैंने एक हदीस पिछले दिन अपने पेज पे शेयर की फेसबुक पेज में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युस्तजाबु लि अहदिकुम, एक बंदे की दुआ कबूल होती रहती है यहाँ तक कि वो ये कह देता है कि अल्लाह ने तुम्हें, वो दुआ छोड़ देता है और दुआ छोड़ के ये कहता है कि अल्लाह ताला ने तो मेरी दावतु फलम युस्तजब ली, मैंने दुआ की लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई। तो वो सिर्फ उस कहने पे उसकी दुआ कबूल नहीं होती, यानी वो बिल्कुल, यानी इन अदर वर्ड्स के उसकी दुआ कबूल होने वाली होती है तो वो जो ना कह देता है कि यार मैं गिव अप कर देता है, कभी दुआ के बारे में होपलेस ना हो, अल्लाह से दुआ मांगे। अली भाई आप यकीन करें मुझे इतने पर्सनल मैसेजेस आना शुरू हो गए, और कॉमन मैसेजेस क्या थे वही रिलेशनशिप्स के एक सिस्टर ने यह सवाल किया कि यानी उसकी तो यानी शादी भी हो गई है, अब आपकी हदीस जो है यानी क्या मुझे अभी भी इसके बारे में दुआ करते रहनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि आपको मतलब अल्लाह की शान और अल्लाह की उसमें क्या कमी है, अल्लाह ताला तो तकदीर बदल सकते हैं, यानी वो अल्लाह के यानी सर्कमस्टांसिस तो कुछ भी नहीं है ना अल्लाह के पास, तो मैं ये दुआ करती रहूँ या छोड़ दूँ, मैं तो बड़ी देर से दुआ कर रही हूँ उसके शादी भी होगी बच्चे भी होगी। मैंने उसको जो जवाब ये दिया, दुआ के साथ एक फीलिंग ऑफ तवक्कुल अल्लाह पर होना चाहिए, और वो फीलिंग ऑफ तवक्कुल ये है कि मेरी जो खुशी है ना, मतलब मैं ये अल्लाह पे तवक्कुल रखूँ कि अल्लाह मुझे खुश कर सकते हैं, हमारे यहाँ ना हमारे बैक ऑफ द माइंड ये है कि ये चीज़ मुझे खुश कर सकती है, और फिर हम अल्लाह से इसी में इतना इंसिस्ट करते हैं कि नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, ये बिलीव करते हुए कि शायद मुझे खुशी इससे मिलनी है। दुआ इस्तिखारा में क्या सिखाया हमें, एंड पे कहा कि अल्लाह ताला अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं है तो मुझसे दूर कर दे, फसरिफ अन्नी वसरिफनी अनहु वक्दुर लिल खैर हैथुकान, फिर आखिर में क्या, थुम्मा रद्दनी भी, अल्लाह मुझे फिर इस पे राजी भी कर दे, यानी मैं खुश भी हो सकता हूँ, अल्लाह मुझे खुश भी कर सकता है। तो यानी वो ये बंदा समझता है, ये आमतौर पर इस तरह की रिलेशनशिप, मैंने कहा आप क्यों ये समझती हैं या समझते हैं कि इसको हासिल ना किया तो मैं ज़िंदगी खुश नहीं हूँ, अल्लाह आपको इससे बेहतर नहीं दे सकता, क्या उसकी शान में नहीं, यानी उसकी शान में कमी है क्या, आप यानी अपने बंदों के लिए क्या उसके पास औरतों की कमी है, या अपनी बंदियों के लिए उसके पास नेक मर्दों की कमी है, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको इससे बहुत बेहतर। तो ये फीलिंग जो है ना कि मैं फिक्सेटेड हूँ, इसीलिए इमाम ने कय्यम ने तो इसको शिर्क कहा है ना, कि इतनी फिक्सेशन है ना कि मैं समझ लूँ कि मैं तो इसके इससे आगे जा ही नहीं सकता, ये शिर्क फिल मोहब्बा है। अल्लाह के रसूल ने इस बात को पसंद नहीं किया कि आप एक चीज़ पे इतने दुनियावी चीज़ पे इतने कंसिस्टेंट हो जाएं कि बस इसके ऑब्सेस्ड हो जाएं, नहीं आप ठीक है मांगे अल्लाह से, लेकिन ऐसा मांगे, और इसमें ये भी कंडीशन होती है ऑब्वियसली, इससे करने से अगले की अगर ख़राब होती हो, फैमिली भी ख़राब हो रही है, आप उसके बारे में दुआएं कर रहे हैं और आप ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह उसकी फैमिली तबाह होकर मेरे साथ हो जाए, तो ये भी नेगेटिव है, लेकिन बहरहाल असल पॉइंट इसमें वो ये है कि इस बात पर बिलीव करें अल्लाह मुझे कहीं और भी दे सकता है, इसीलिए अल्लाह पर राज़ी हूँ, ये भी ज़रूरी है साथ। तो अल्लाह से मांगने का मकसद सिर्फ मतलब यही है कि अल्लाह से मांगें और अल्लाह से कहें, इसीलिए अच्छी दुआ अल्लाह के रसूल ने ये सिखाई है, अल्लाह ताला जो मेरे लिए बेहतर है वो करे, ये नहीं कि मुझे यही दे।